लोकसभा चुनावों की तैयारी में लगी बीजेपी मध्य प्रदेश को लेकर खासी तैयारियां कर रही है। मिशन 29 के तहत मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने पर बीजेपी का फोकस है, जिसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में बैठकों का और रायशुमारी का सिलसिला जारी है। रायशुमारी उन तमाम नामों पर जो लोकसभा सीटों के प्रबल दावेदार हैं, इन नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और इन नामों को आगे आलाकमान को भेजा जाएगा, जिसमें से एक नाम फाइनल होगा और उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले घोषित किया जाएगा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे गुना लोकसभा सीट की कि आखिर गुना लोकसभा सीट से कौन कौन लोकसभा चुनाव के बीजेपी के दावेदार हैं और किन को टिकट मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। बात हो रही है गुना लोकसभा सीट की, जहाँ से फिलहाल बीजेपी के केपी यादव सांसद हैं। आपको बता दें कि केपी यादव ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में तब कांग्रेस नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था और केपी यादव को जीत हासिल हुई थी। आपको बता दें कि केपी यादव नए चेहरे थे और सिंधिया को उन्होंने इस चुनाव में हराया था। वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो बीजेपी में आ गए हैं। ऐसे में गुना लोकसभा सीट के समीकरण भी बदल गए हैं। गुना लोकसभा सीट से दावेदार कौन कौन है, अगर उनकी बात करें तो पहले नंबर पर नाम आता है फिलहाल सांसद केपी यादव का। जी हां, डॉक्टर केपी यादव गुना लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, पहले नंबर पर उनका नाम चल रहा है। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी गुना लोकसभा सीट से दावेदारों की सूची में चल रहा है, यानी कि केपी यादव के बाद अगर दूसरा नाम कोई है तो वो है सिंधिया का। वहीं तीसरे नंबर पर है नरेंद्र बिरथरे का नाम, बीजेपी नेता नरेंद्र बिरथरे का नाम भी जो है वो गुना लोकसभा सीट से आगे चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर किसे बीजेपी उम्मीदवार के रूप में जो है जिसका नाम घोषित करती है। वहीं और भी कुछ नाम है जो गुना लोकसभा सीट से आगे चल रहे, जिसमें धर्मेंद्र सिकरवार, राजेंद्र सलूजा, अरुण चतुर्वेदी, हरि सिंह यादव और गिरिराज भार्गव का नाम शामिल है। लोकसभा में 8 विधानसभा आती है और 38 मंडल आती है। इसमें 25 श्रेणी थी, मंडल अध्यक्ष थे, जिला पदाधिकारी थे, पूर्व जिला अध्यक्ष थे, विधायक गण थे और 2023 के प्रत्याशी थे, सांसद थे और अन्य श्रेणी जो अपेक्षित श्रेणी वहाँ सभी लोग उपस्थित हुए। लगभग 200 के आसपास की संख्या अपेक्षित श्रेणी थी। अब आगे इसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? उन्होंने सभी ने जो भी श्रेणी अपेक्षित थी सभी ने तीन तीन नाम उनको बंद लिफाफे में रख कर दिए गए और वो यहाँ से पूरे लिफाफे को लेकर प्रदेश में अवगत कराएंगे और वहाँ से जो भी निर्णय हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं की रायशुमारी जाने बिना कोई भी निर्णय नहीं होता है। सभी कार्यकर्ताओं जो अपेक्षित थे उनसे सभी से उनकी राय ली गई है और प्रदेश नेतृत्व राष्ट्र नेतृत्व उस पर निर्णय। वही आपको बता दें कि तमाम बीजेपी के क्लस्टर हेड्स लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचकर विचार विमर्श कर रहे हैं। हर लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभा सीटों से कार्यकर्ताओं और जितने भी बीजेपी के समन्वयक हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनके साथ बैठक हो रही है और उनसे रायशुमारी हो रही है। रायशुमारी इस बात की कि आखिर जो सर्वे बीजेपी करा रही है उसमें आगे कौन चल रहा है, जनता की पसंद कौन है। ये तमाम नाम जो कि जमीनी कार्यकर्ताओं के द्वारा क्लस्टर हेड्स को दिए जा रहे हैं, ये नाम अब बीजेपी आलाकमान तक जाएंगे और उसके बाद बीजेपी आलाकमान जो है वो किसी एक नाम की घोषणा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में करेगा। फिलहाल गुना लोकसभा सीट की बात करें तो केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर बीजेपी किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारती है। क्या केपी यादव को एक बार फिर से टिकट मिलता है या फिर किसी और को बीजेपी यहां से टिकट देती है। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।